दोस्तों, मैं आरोही मैदान स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर, जहां मिलेगी सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज चैनल। इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से, फिर दिए हुए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी खबर की ओर, देखते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। पहाड़ से मैदान तक बदला मौसम, यूपी में येलो अलर्ट, जाने आज कहां होगी बारिश, कहां गिरेंगे ओले। देश में पिछले हफ्ते से कई राज्यों में बेमौसम बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। भारत मौसम विभाग के अनुसार राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई इलाकों में शनिवार और रविवार को बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में ओले गिरने की संभावना जताई है, जिसके चलते पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश और ओले के साथ 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने का अनुमान भी लगाया गया है। यूपी के 23 जिलों में जारी हुआ है येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने आज यूपी के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, कासगंज में बिजली के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा दिल्ली में आज का मौसम खुशनुमा रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले दो घंटों के दौरान हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और यूपी के अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिलारी और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चुरू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, कोटा और सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट और बांसवाड़ा, बारा, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़ और राजसमंद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के हनुमानगढ़, जोधपुर, नागौर और श्रीगंगानगर के लिए अलर्ट जारी हुआ है। ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और ओले गिरने की आशंका है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिले प्रभावित होंगे। फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि कहां पर ओलावृष्टि होगी और कहां पर बूंदाबांदी, लेकिन इतना तय है कि लगभग सभी जिले प्रभावित रहेंगे और मौसम का यह असर 27 मार्च तक बना रहेगा। अगले 24 घंटों में जब बादलों का जमावड़ा आसमान पर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, तब स्थिति और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। हरियाणा, पंजाब के मौसम में लगातार परिवर्तन आ रहा है। मौसम विभाग ने अब हरियाणा के 21 जिलों में आज के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है जहां बादल गरजने के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 21 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए अलर्ट। मौसम विभाग ने 24 मार्च से हालात ज्यादा खराब होने की संभावना जताई। इसी के चलते हरियाणा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में इन 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। यहां बारिश और ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है, जबकि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम, नू, पलवल, फरीदाबाद जिलों को येलो श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में येलो अलर्ट और चरखी, दादरी और भिवानी में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दे और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए पब्लिक रिएक्शन टीवी से और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। और लास्ट में हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।